गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू विद आवर चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, लीनियर इक्वेशंस। एवरीवन, सो योर फ्यू फ्रेंड्स आर इन द क्लास, राइट? सो बेटा, एक्सरसाइज 4.3, we have done 4 questions yesterday. Today we have to do 5th question. Everyone open book page number 74. Vanshika, you don't have book? Why? Huh? But you should bring na, beta. Kyun beta, maths ka period tha, maths ki book to lani thi na. 5 periods you have. So 5 subject ki jo book chahiye hoti hai na, to abhi. Anyways. Question is, from the choices given below, choose the equation whose graph are given in figure 4.6 and figure 4.7. Now see, what is given to you? Fifth question mein, 4.6 figure mein, aapko kehte ki ek graph banaya hai. ग्राफ बनाया, उसके ये कोऑर्डिनेट्स हैं। फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ। ये जो चार इक्वेशंस हैं, इनमें से इस ग्राफ की इक्वेशन कौन सी है? ठीक है, क्या करेंगे? आपके पास जैसे कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 1, 0, 0, 1, -1, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है बेटे? अब देखो, फर्स्ट इक्वेशन इज y इज इक्वल टू x, मींस y की वैल्यू x के वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, है क्या ये? यहां x क्या है? -1, y क्या है? 1। क्या y x के इक्वल है? तो इसका मतलब ये नहीं हो सकती, नहीं नहीं तीनों करनी चाहिए, यस तीनों करनी चाहिए, ठीक है? x plus y is equal to 0, मतलब अगर आपने सिर्फ देखकर, only by looking, if it is clear to you that this is not the equation of this graph, then also you can say no, बस ऐसे क्रॉस लगा दो जाए। हमने हाँ, अगर एक भी कोऑर्डिनेट, मतलब जब एक ग्राफ की लाइन बनती है, हम कोई इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं, तो जो पॉइंट्स आते हैं वो उसी इक्वेशन से नहीं आते। मान लो एक इक्वेशन से हम ये पॉइंट्स निकाल रहे हैं, तो ये जो पॉइंट्स है वो इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करने चाहिए ना। अगर एक भी पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है कि वो इक्वेशन उस ग्राफ की नहीं है। उस ग्राफ की मीन्स उस लाइन पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको हम बोलते हैं उस ग्राफ की नहीं है। समझ आ गई बात? x plus y is equal to 0, -1 plus 1 is equal to 0, second वाला देखो, 0 plus 0, ये -1 को 0 का मान 0, 0 plus 0 is also 0, third coordinates क्या है? 1, -1, x क्या है? 1, plus y क्या है? -1, plus minus, minus, 1 minus 1 is 0. So therefore, x plus y is equal to 0 is the equation of given graph. X plus y है, आप देखोगे y अब कौन सी है? थर्ड, एक ही हो गई, नहीं है, ये है। थर्ड इज y is equal to 2x, it is clearly not, कैसे? x की वैल्यू क्या है बेटा? पहला कोऑर्डिनेट उठाते हैं -1, ये वो x होते हैं ना सारे, और ये y होते हैं। x की वैल्यू क्या है? -1। जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू क्या हो गई? -2। कहां मान लिखा है? वही बोल रही हूं ना, अगर हम ये वाला x पुट करते हैं -1, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज व्हाट?
यहाँ क्या बोल रहा है वन, तो इसका मतलब ये इक्वेशन नहीं है, मतलब सेटिस्फाई करनी चाहिए। इसमें हमारे जो एक्स और वाई की वैल्यूज गिवन थी उसको पुट करके हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही थी, यहाँ पर हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, दैट मीन्स दिस इज नॉट द इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ वॉट एवर इज गिवन। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट है बेटे x plus 2y is equal to 6. This is also not the equation. कैसे? x क्या है? Minus 1 plus 2. y क्या है? 1. x पहला ही तो पहले coordinates fill कर रहे हैं ना? x is minus 1. y is 1. 2 into 1. Solve करो. Left hand side लिया हमने. Minus 1 plus 2 is 1. सिक्स नहीं ना आया, अगर सिक्स आता तो इसका मतलब एक्स और वाई की वैल्यू, ये भी इक्वेशन नहीं है, चारों में से एक ही होती है सेटिस्फाई, दो भी हो सकती हैं, इसलिए सारे चेक करने हैं, चाहे आप सॉल्व करके दिखाओ, चाहे आपको अगर क्लियर है कि ये नहीं हो सकता तो सीधा कह दो नो, जो हो रहा है उसको सॉल्व कर दो। ऑब्वियसली नॉट, बेटा ये तीनों जो वैल्यूज हैं वो तीनों उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। जब हमने ये देखो, अब हमने ये तीनों के लिए चेक किया ना, माइनस वन कॉमा वन के लिए भी, जीरो कॉमा जीरो के लिए भी, और वन कॉमा माइनस वन के लिए भी, तीनों के लिए चेक किया, तीनों के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। अगर एक भी कोऑर्डिनेट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब दैट इक्वेशन इज नॉट द इक्वेशन ऑफ दैट ग्राफ। एमसीक्यू फॉर्म में आना है, लेकिन एमसीक्यू भी तभी अटेम्प्ट कर पाओगे जब कंसेप्ट क्लियर होगा, करने ही पड़ेंगे बेटा, नहीं तो अभी तक तो यही सोचा, चैप्टर बता भेज दिए ग्रुप में कि कौन से चैप्टर आने हैं, जो भेजा है वो पीटी टू का सिलेबस है, नेक्स्ट पीटी थ्री में कट गया, बातें करने का टाइम नहीं है बेटे, है ना? हाँ जी धीरेन बोलो। मैम फिगर 4.6 के लिए जो फोर्थ इक्वेशन है वो तो 2 प्लस 3 वाई इक्वल टू 7 एक्स लिखी हुई है। 2 प्लस 3 वाई मैंने कौन सी इक्वेशन ली? ओके मैंने तो फिगर 4.7 की, कोई बात नहीं, वो भी नहीं सेटिस्फाई हो रही, जो इसकी इक्वेशन है ना x प्लस 2 प्लस 3 वाई इज इक्वल टू 7x, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रही। देखो 2 प्लस 3 ये वाली वैल्यूज देंगे, y क्या है 1, 7x क्या है माइनस 1, 2 प्लस 3 5, ये क्या है माइनस 7, इक्वल आ रहा है, सो दैट इज ऑल्सो नॉट Satisfying. Fine. So there is only one equation, which is x plus y is equal to 0, which is this is the equation of the given graph. Karo note. Aap ye note kar lo na. बिल्कुल, जैसे ये क्वेश्चन ये एमसीक्यू के फॉर्म के लिए बिल्कुल मतलब अप्रोप्रिएट है, तो इसमें आप आपको दिख रहा है ये देख के क्लियर हो जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स, नहीं तो माइंड से माइंड में ये तो ओरल ओरल क्वेश्चन हो जाएगा। फाइन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन युग,
समझ आ गई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं बेटा, -1, 3, 0, 2 एंड 2, 0, राइट। फर्स्ट इक्वेशन इज y इज इक्वल टू x प्लस 2। लेट अस पुट द फर्स्ट, ये पुट कर लेते हैं, माइनस वाला छोड़ दो, 0, 2। y इज 2, x इज 0 प्लस 2, ये आ गया इक्वल। बोर्ड पे देखिए, चलो ठीक है, 2 प्लस ये f, y इज 0, x इज 2, 2 प्लस 2, 0 इज नॉट इक्वल टू 4, सो दिस इज नॉट, कुछ भी। सेकेंड इक्वेशन है आपकी बेटा y इज इक्वल टू x माइनस 2। नाउ यू कैन टेक एनी कोऑर्डिनेट, ठीक है, रैंडमली कोई भी ले सकते हो। y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 इज 0 माइनस 2 -2 इज नॉट इक्वल, सो नॉट पॉसिबल, ये भी नहीं है। समझ आ रही बात। थर्ड है y इज इक्वल टू -x प्लस 2। Now I am taking the 0, 2 वाला coordinate. Y is 2, x is 0, minus 0 means 0 only, plus 2. Minus 0 is neither positive nor negative, तो वो 0 ही रहेगा, तो 2 equal to 2 आ गया यहाँ पर। एक अभी satisfy हुआ है, हमारे पास तीन coordinates हैं। ठीक है, हमने ये चेक किया, अब ये करेंगे। ये था हमारा 0, 2, अब हम करेंगे 2, 0 के लिए। y is 0, x is minus x is 2 plus 2, 0 is equal to 0, ये भी हो गया इक्वल आ गया। थर्ड कोऑर्डिनेट है -1, 3। Now y is 3, x इधर देखो बेटा, एक ये माइनस इक्वेशन वाला और x की वैल्यू क्या है पहले बेटा समझो। आदित्य लिखने पे कोई नहीं जोर देना है, समझना है। x y की जगह पे लिख दिया 3 इज इक्वल टू ये वाला माइनस, x की वैल्यू क्या है -1, तो -1 प्लस 2 कहाँ बेटे, इक्वेशन की हम इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। y की वैल्यू 3, ये माइनस इक्वेशन वाला, x की वैल्यू -1 प्लस इक्वेशन वाला 2, -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 3, so all the 3 coordinates are satisfied by this equation, so therefore this is the equation of the given graph. Now we have one more equation, x plus 2y is equal to 6. Let us put the value, any value, I'll take the coordinate 0, 2. x 0 plus 2 y is 2, 0 plus 4 is equal to 6, but 4 is not equal to 6, so therefore not possible. समझ आ रही है बात। So this is the only equation that is y is equal to -x plus 2, which is satisfying all the 3 coordinates. This is the equation of the given graph. Note down.
एक से चेक करो, तीन इक्वेशन ऐसी होंगी जो सेटिस्फाई नहीं करेंगी। कई बार क्या होता है, एक कोऑर्डिनेट जो आपने उठाया वो सबको सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन दूसरा नहीं करेगा। तीनों तीनों कोऑर्डिनेट्स एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, वो कौन सी इक्वेशन है ये आपने देखनी है। ये चांस की बात है कि आपने जो कोऑर्डिनेट उठाया वो पहली बार में अनसेटिस्फाई हो जाए या सेटिस्फाई होता जाए तो दूसरी उठानी पड़ेगी। इसलिए हर एक इक्वेशन को पहले उठाया, हर एक इक्वेशन को उठाया ना पहले, इक्वेशन को उठा के पहले मैंने ये कोऑर्डिनेट उठाया। इससे नहीं हुआ तो बाद में बाकी करने की जरूरत ही नहीं है। मान लो इससे हो जाता फिर मैं ये ट्राई करती, इससे भी हो जाता फिर मैं ये ट्राई करती, इससे अगर इससे हो जाता। हाँ बोल। ऑब्वियसली ये देखो तीनों चेक तो करोगे ना, तीनों चेक तो करोगे। मान ले ये वाली इक्वेशन है, ये इससे हो जाती है लेकिन बाकियों से नहीं होती तो ये इक्वेशन थोड़ी हुई इस ग्राफ की। तो तीनों नो वाले में एक से नो हो गया, बात खत्म। लेकिन यस वाले में अगर एक पे यस है तो दूसरा भी चेक करना है, तीसरा भी चेक करना। हाँ जी ज्योति बोलो बेटा। मैम जो सेकंड है x is equal to x minus 2, अगर उसमें हम x 2 ले और y 0 तो आ तो मतलब 0 वैल्यू आ तो रही है। वही बात है, वही मैं बोल रही थी। जब आप ले रहे हो 0 2 y is 2 x is 0 minus 2 कहाँ आ रहा बेटा, ये तो नेगेटिव आ रहा है। अगर आप लेते हो मैम x, ओके ओके वो भी ले लो 2 0 आपको अगर किसी इक्वेशन के लिए एक कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई होता है तो उसी इक्वेशन के लिए दूसरा भी करना पड़ेगा, दूसरा होता है तो तीसरा भी कोऑर्डिनेट चेक करना पड़ेगा। अगर तीनों कोऑर्डिनेट जैसे इस इक्वेशन में सेटिस्फाई होते हैं तो वो इक्वेशन है उस ग्राफ की, नहीं तो अगर एक होता है दूसरा नहीं होता तो इसका मतलब दैट इज नॉट द इक्वेशन ऑफ द गिवन ग्राफ। ओके मैम, ठीक है, तीनों कोऑर्डिनेट चेक करने पड़ेंगे क्योंकि ग्राफ का ग्राफ कैसे बनता है। मान लो इस इक्वेशन जो पॉइंट्स गिवन हमने अभी इक्वेशन बनाई है ना, ग्राफ को लेकर इक्वेशन से ग्राफ बनाए हैं, जो पॉइंट्स आते थे वो उसी इक्वेशन से आते थे, उसको सेटिस्फाई करते थे। ठीक है, नोट कर लो प्लीज। डन, एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो वंशिका जी, रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वंशिका जी के पास बुक नहीं है। थैंक यू वंशिका, नोट कर लिया आपने। अच्छा जी, ओके वंशिका, वेरी गुड। रिद्धिका, हाँ जी रिद्धिका। मैम इन क्वेश्चन के ग्राफ बनाने हैं? नो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑफ अ बॉडी, मींस वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units and 0 units. अब यहाँ पर दो चीजें हैं, क्या बात है आदित्य? What are, am I cracking any joke? And physics नहीं है, maths है। देखो physics में है ना, हम इसको maths में convert करते हैं। What is given? Work done is directly proportional to the distance. Work done means W. It is directly proportional to the distance. ठीक है? You all know whenever you have a proportionality sign, उसको हटाकर हम constant लगाते हैं, पता क्या नहीं? जब भी हमारे पास ऐसे proportionality का sign होता है ना बेटे, तो हम क्या करते हैं?
प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर इक्वल टू का साइन लगाते हैं. इक्वल टू का साइन जब लगाते हैं तो कोई कांस्टेंट लगाते हैं, के कांस्टेंट लगाते हैं. मींस अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर इक्वल टू का साइन लगाना है तो कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा. ठीक है, अब नाउ वी हैव टू मेक एन इक्वेशन फॉर दिस कंडीशन. नाउ वी नो वी मेक एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. वी आर हैविंग टू थिंग्स, सो वी विल राइट लेट वर्क डन. उसको हम x ले लेते हैं. वर्क डन इज नोटेड बाय वेरिएबल x एंड डिस्टेंस को हम ले लेते हैं y. आप किसी को भी x किसी को भी y ले सकते हैं. अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मींस x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y. यस और नो? वर्क डन की वर्क डन को जो एक्स वेरिएबल बड़े ध्यान से लेने हैं. गलती से अगर आपने वर्क डन को एक्स और डिस्टेंस को वाई लिया और वाई इज प्रोपोर्शनल टू एक्स लिख दिया फिर गलत है. बिकॉज़ वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस इज नॉट, ऐसे ऐसे नहीं लिखोगे. वैसे वो प्रोपोर्शनलिटी सेम ही रहती है बट जो पहले लिखा उसको पहले लिखोगे. ठीक है, क्योंकि उल्टा नहीं कर सकते. उल्टा करोगे तो कॉन्स्टेंट डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा. फिर प्रोपोर्शनल तो है, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस. तो इसमें आपने लिया, इसी में हम लिखेंगे साथ में. आपको बेटा देखो गिवन है कांस्टेंट फोर्स. कांस्टेंट फोर्स नहीं है, जो कांस्टेंट है वो कितना है 5 यूनिट्स. तो आप क्या करोगे, एक्स इज इक्वल टू 5. Here, 5 is constant. एक मिनट रुको. ऐसे लिखो. X is equal to k y. Where k is constant. This implies x is equal to 5 y. Because 5 is constant as per the question. So this is our required equation. Any doubt? Yug? नहीं समझ आया? समझ क्या नहीं? बेटा question क्या नहीं समझ आया ये बताओ. Proportional का मतलब है कि जितना work तो मान लो आप workout करते हो तो जितना आप वर्कआउट करोगे उतनी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला चैप्टर किया था ना 8th में, किया था डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इनवर्स प्रोपोर्शन कट गया था. ओके कट गया था. तो सुनो प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जैसे आप मार्केट गए, ठीक है, यू वांट टू बाय 5 नोटबुक्स. ईच नोटबुक कॉस्ट ₹10. सो हाउ मच कॉस्ट यू विल हैव टू पे 50. तो अगर आपने 10 नोटबुक्स लेनी है तो आप कितनी नोटबुक मनी दोगे, 100. मींस द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ नोटबुक्स यू आर बाइंग. ठीक है, आप वर्कआउट कर रहे हैं अवे सेइंग, तो जितना ज्यादा आप वर्कआउट करोगे उतनी आपकी कैलोरीज बर्न होंगी. द मोर यू विल वर्कआउट द मोर कैलोरीज विल बी बर्न, द लेस यू विल वर्कआउट द लेस कैलोरीज विल बी बर्न. ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन. एक बार समझाती हूँ, बोलो. कि हाँ, अगर वर्क डन, देखो ना वर्क डन, अगर मैं ज्यादा वर्क करके चलूंगी तो मैं ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करूंगी. समझ आ गई? इफ आई वर्क मोर, इफ आई मूव विद मोर स्पीड देन आई विल कवर मोर डिस्टेंस. इफ आई वर्क स्लो आई विल कवर लेस डिस्टेंस. इनवर्स मतलब जो उसका एक का इफेक्ट दूसरे पे पड़ेगा डायरेक्टली. इनवर्स का मतलब एक मिनट देते, इनवर्स का मतलब ये है जैसे मान लो आपने कोई प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, आई गेव द वर्क टू 5 स्टूडेंट्स और वो वर्क आपको हो गए, मैम 5 बच्चे हैं हम 10 दिन में खत्म कर देंगे, मुझे काम जल्दी चाहिए खत्म होना, तो मैं क्या करूंगी, आई विल एड 3 स्टूडेंट्स मोर. अगर बच्चे बढ़ जाएंगे तो काम जल्दी होगा, बच्चे बढ़ गए टाइम कम लगा. अगर 5 के बजाय 3 बच्चे रह गए, बच्चे कम, तो 10 के बजाय कितने ज्यादा दिन लगेंगे. दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन. समझ आ गई बात?
हाँ जी अपरन ने कुछ पूछना है। अपरन 1 मिनट। हाँ जी बेटा बोलो। मैम हमने यहाँ पर k की वैल्यू 1 ली है ना, जहाँ पर हमने लिखा है x is equal to ky। बेटा 5 ली है, 5 क्वेश्चन में पढ़ो। k equal to 5 ली है। हाँ क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ना कांस्टेंट फोर्स, जो कांस्टेंट है वो 5 है। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन। हाँ जी तो ये क्या है, उसके बाद हाँ नहीं इरेज नहीं कर रही। इसके बाद बेटा हमने इसका क्या बनाना है, ग्राफ। ग्राफ इज वेरी सिंपल, कुछ भी ले लो। आपको मैंने करवाया था, इफ यू पीपल वर अटेंडिंग द क्लास। तू ना ये कंप्यूटर देखिए, एक्स एंड वाई वी हैव टू टेक द 4 वैल्यूज। नाउ व्हाट इज अवर इक्वेशन, x is equal to 5y. So now बेटा हम जो y की वैल्यूज फिल करते जाएंगे वो हमारी x की वैल्यू आती जाएगी। तो ये आपने टेबल बड़े ध्यान से बनाना है। If y is 0, पहले समझो लिखना बाद में। If y is 0, what is x? 0. y is 0, x is 0. If y is 1, hello, y is 1. अब इसमें क्या ध्यान रखना है कि उल्टा नहीं लिख देना आपने कि x x को 1 लिख दिया, y 5, फिर वो पूरा गलत हो जाएगा। क्योंकि y 5 पे तो x 25 हो जाएगा, आपने लिख दिया 1, उल्टा नहीं लिखना। तो बहुत केयरफुली टेबल में वैल्यूज फिल करनी है। y 2 पे x 10, y 3 पे x, बात समझ में आ गई? बिल्कुल करके देख सकते हो करण कवर नोट, बिल्कुल करके देख सकते हो। बट इट इज वेरी इजी, इसलिए हम बार बार मैं करके नहीं दिखा रही आपको, बिकॉज वी कैन डू इट ऑरली। तो जो चीज ऑरली सिंपल तरीके से होती है ना कवर नोट, यू हैव टू बी स्मार्ट। एमसीक्यू में आएंगे, टाइम होगा तो फटाफट से कुछ कुछ ऐसे तो करके देख सकते हो, इट इज ओके। इट डिपेंड्स अपॉन योर सेटिस्फेक्शन। आई होप एवरीवन हैज नोटेड दिस। नाउ वी विल मेक द ग्राफ। बोलो बोलो। हाँ नहीं समझ आया कैसे, x is equal to 5y, put y is equal to 1, x is equal to 5 into 1, what is x? 5. फाइव कॉन्स्टेंट है, क्वेश्चन में गिवन है। हाँ जी बुक नहीं ना लाए वंशिका, इसीलिए नहीं आपको समझ आ रहा। दो क्वेश्चन हुए हैं एंड ओनली 3 मिनट्स आर लेफ्ट। लेट मी कंप्लीट दिस क्वेश्चन। सो दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव। आई होप यू ऑल नो। ठीक है, दिस इज द ओरिजिन। अब देखो x की वैल्यूज जो क्या है, लुक ऑन द बोर्ड, मैक्सिमम किस पे जा रही है बेटा, 15 पे। तो मैंने ये बात आपको कल समझाई थी कि अगर आपके पास जैसे 15 है तो आप x पे 1-1 का डिफरेंस मत लो, 5 का लो। अगर आप x एक्सिस पे 5 का डिफरेंस ले रहे हो तो नेगेटिव वाली साइड पे भी 5 का लेना पड़ेगा। जैसे इधर देखो बोर्ड पे 5, 10, 15, 20, -5 -10, वैसे माइनस की तो जरूरत ही नहीं है, शो करो चाहे ना। और y पे 1, 2, 3, तो y पे 1, 2, 3 -1, -2, -, मींस y के पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सिस में डिस्टेंस सेम और x के पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सिस में डिस्टेंस सेम। इन दोनों का जरूरी नहीं है कि यहाँ 1-1 का लिया तो x पे भी 1-1 का लोगे। समझ आ गई बात? Now x 0 पे y 0, this is the point. x 5 पे y कितने है? 1.
एक्स 10 पे वाई कितना है 2, और एक्स 3 पे वाई, एक्स 15 पे वाई कितना है 3, एंड ऑलवेज द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन विल बी अ स्ट्रेट लाइन. अगर आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही इसका मतलब आपने कुछ गड़बड़ की है. ठीक है, देन देयर इज द पार्ट फाइंड द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 फ्रॉम द ग्राफ. वर्क डन मतलब एक्स, फर्स्ट पार्ट एक्स आपने फाइंड करना है व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड. वाई की वैल्यू क्या है इधर देखो, फर्स्ट पार्ट वर्क डन मतलब एक्स आपको फाइंड करना है. जब आपको डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस हमारा वाई है, कितना गिवन है 2, मींस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इज 2. इट वी हैव शोन इट, हमने वो ग्राफ भी शो कर दिया हुआ है कि जब हमारा वाई 2 था तो हमारा एक्स कितना है 10. ऐसे बनाओगे और लिखोगे एक्स इज इक्वल टू, बिल्कुल बनाना है क्योंकि लिखने के नंबर नहीं है, बनाने के नंबर है. क्वेश्चन में लिखा है फ्रॉम द ग्राफ, 8th में ग्राफ के चैप्टर सीए हुए हैं आपने, उसमें ग्राफ बनाने के बाद जो क्वेश्चन होते थे वो ग्राफ में, जैसे स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन था, पार्ट्स आते थे ना, वो ग्राफ पे शो करना है. बात समझ में आ गई, ग्राफ बनाने के बाद जो पार्ट्स हैं वो ग्राफ पे शो करने हैं. सॉल्व कर दोगे तो उसके अकेले कोई नंबर नहीं है, ये तो ऑलरेडी चलो इसको ऐसे करके शो करना है. फिर कहते हैं सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट यहां कर रही हूँ, एक्स निकालना है व्हेन वाई इज 0, वो भी हमने फाइंड किया हुआ है. एक्स इज 0, ये रहा, होमवर्क है ये क्वेश्चन. बोलो बोलो, पर्पस कोई नहीं होता ग्राफ ग्राफ दिखाना, कि आप इसका पर्पस ये है कि जो भी आपके पॉइंट्स हैं वो स्ट्रेट लाइन पे हैं, बिकॉज द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन and hence you have showed that this is a linear equation which is making a straight line. ये purpose है इसका. All right beta, so this question you will be doing as homework. Any doubt to anyone, online students? All right, see you tomorrow. Take care.